Audio Jungle. बुधवार को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मालव मंथन संस्था द्वारा सूर्यास्त के समय पंचतत्व संरक्षण, अग्निहोत्र एवं वृक्ष पूजन कर पंच महायज्ञ विधि विधान से संपन्न किया गया। इस दौरान भोपाल से आए अग्निहोत्र प्रचारक परांजपे ने बताया कि अग्निहोत्र यज्ञ से पर्यावरण को कैसे संरक्षण दिया जा सकता है। इस कार्यक्रम के अंत में पर्यावरण संरक्षण हेतु बच्चों और युवाओं द्वारा प्लास्टिक बैग के पूर्ण बहिष्कार की शपथ दिलाई गई, साथ ही कपड़ों की थैली का उपयोग करने की सलाह दी गई। मालव मंथन संस्था के संस्थापक स्वप्रिल व्यास ने बताया कि किसी समय यह विदेशी जो भारतीयों को ब्लैक इंडियन धुनी रमाने वाले अनपढ़ कहते थे, वही इस यज्ञ को अपने देश ले गए और इस यज्ञ की धुनी से बने कैप्सूल बेच रहे हैं और आज हम इतने आधुनिक हो गए हैं कि वही कैप्सूल खरीद रहे हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमने यहाँ धन्वंतरी नगर के अटल उद्यान में एक नई पहल की है। अग्निहोत्र पृथ्वी शांति के लिए, अग्निहोत्र पंचतत्व शांति के लिए अग्निहोत्र और वृक्ष पूजा का आयोजन किया गया था, जिसमें हमने सबसे पहले पंचभूत शांति के लिए हवन किया। उसके बाद सूर्यास्त के समय हम लोगों ने अग्निहोत्र किया। अमूमन ये होता है, वृक्षारोपण करने से या तो पौधा वायु शुद्ध होती है, भूमि शुद्ध होती है, पर ये जो अग्निहोत्र है इसके करने से हमारे पांचों तत्व शुद्ध होते हैं। आज हम देख रहे हैं कि अग्निहोत्र हमारी वैदिक परंपरा है, लेकिन आज हमारे यहाँ से ये लुप्त हो रही है और विदेशों में अग्निहोत्र कर रहे हैं। यहाँ तक कि नासा ने भी माना है कि अग्निहोत्र से पर्यावरण शुद्ध होता है। तो आज हम पुनः अपनी इस वैदिक परंपरा को लोकव्यापी बनाने के लिए पर्यावरण दिवस पर हमने ये शुरुआत की है। इंदौर में पहली बार हुआ है? नहीं, देखो मैंने कहा ना, अग्निहोत्र हमारी वैदिक परंपरा है, युगों युगों से हो रही थी, लेकिन कारण जैसे हम आधुनिक जीवन शैली में अपना रहे हैं तो पर्यावरण शुद्धि के लिए हम आधुनिक तरीके अपना रहे हैं, जबकि हमारे वेदों ने ये पर्यावरण शुद्धि के लिए अग्निहोत्र हवन ये शुरू से चली आ रही परंपरा है। ये हो नहीं रहा ऐसा नहीं, ये कमतर हो रहा है, विलुप्त सा हो गया है और इसी कारण हम देख रहे हैं कि आज पर्यावरण प्रदूषण चरम पर है। स्वप्निल व्यास मालव मंथन का साथी और ये सभी मेरे साथी, हमने आज यहाँ पर हवन किया। इंदौर से जय सिमरिया की विशेष खबर।